अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई एम जन्नत राहील और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बनाती हूँ DIY ब्यूटी मेकअप और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड करके बटन को प्रेस कर दें और उसके साथ एक छोटी सी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और फ्रेंड्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ मैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियोस और पिक्चर्स अपलोड करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ग्लो सीरम। ये सिर्फ ना सिर्फ आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा बल्कि आपकी स्किन को वाइट भी करेगा और आपकी स्किन को यंग करेगा। इस सीरम को हर एज का लड़का और लड़की यूज़ कर सकते हैं, टीनएजर भी इस सीरम को यूज़ कर सकते हैं। तो इस सीरम के और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये ओपन पोर्स को क्लोज करेगा और स्किन पर एक्नी और पिंपल के चले जाने के बाद जो निशान रह जाते हैं तो इस सीरम से वो निशान भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इस सीरम को बनाना कैसे है और यूज़ कैसे करना है। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। तो चले अपना सीरम बनाना स्टार्ट करते हैं। सीरम बनाने के लिए मैं सबसे पहले लूँगी एलोवेरा जेल। मैं इसमें 5 मिलीलीटर 5 मिलीलीटर एलोवेरा जेल का डालूँगी। आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मार्केट से जो एलोवेरा जेल आती है आप वही यूज़ करो तो बेस्ट है, क्योंकि आप इस सीरम को ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं। एलोवेरा जेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। एलोवेरा जेल स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को हाइड्रेट बनाता है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। ग्लिसरीन एक्नी, स्किन इन्फेक्शन, रिंकल और फाइन लाइंस को रिमूव करने में हेल्प करता है। ये भी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और ये आपको बहुत ही ईजिली मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। और मैंने 5 मिलीलीटर 5 मिलीलीटर ग्लिसरीन का भी डाला है। जितना मैंने एलोवेरा जेल डाला है उतना ही मैंने इसमें ग्लिसरीन भी डाला है। अब मैं इसमें डालूँगी आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। मैं इसमें 2.5 मिलीलीटर आलमंड ऑयल का डालूँगी। जिनकी स्किन ऑयली है वो भी आलमंड ऑयल को बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। आलमंड ऑयल में विटामिन ए बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है जो आपकी स्किन पर एक्नी पिंपल्स को आने से रोकता है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कोकोनट ऑयल। मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल के डालूँगी। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो कोकोनट ऑयल को स्किप भी कर सकते हैं। जो नॉर्मल स्किन वाले हैं या फिर जिनकी स्किन ड्राई है वो कोकोनट ऑयल को इसमें ज़रूर डालेंगे। कोकोनट ऑयल भी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी विटामिन ई का एक कैप्सूल। ये वो कैप्सूल है जो कॉस्मेटिक शॉप से मिलता है। आपने भी ये क्रीमी कैप्सूल ही इसमें ऐड करना है, एक कैप्सूल इसमें ऐड करना है। ये वाइटनिंग के लिए है और इन चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मेरा ये क्रीमी सा सीरम रेडी है। अब मैं इसको एक खाली कंटेनर में निकाल लूँगी। मैंने इस तरह का एक खाली कंटेनर लिया है और इसमें मैं इस सीरम को निकाल लूँगी। आप इस सीरम को 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में सीरम बनाना चाहते हैं तो मैंने जितनी अमाउंट बताई है आप उसको डबल करके ज़्यादा अमाउंट में सीरम को बना सकते हो। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल से सीरम को बना रहे हो तो आप इस सीरम को सिर्फ 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट सा इसका टेक्स्चर है। तो मैं इसे अपने हाथों पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। मैंने इसकी थोड़ी सी अमाउंट ली है और अपने हाथों पे लगा रही हूँ। आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने रात को सोने से पहले अपने फेस को किसी भी अच्छे क्लेंजर से क्लीन कर लेना है। क्लेंजर भी मैंने घर में बनाना सिखाया है, DIY क्लेंजर बनाना सिखाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और इसकी थोड़ी सी अमाउंट अपने फेस पे और नेक पे अप्लाई कर लेनी है और सुबह उठकर किसी भी अच्छे फेस वॉश से धो लेना है। 1 वीक में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके फेस से बिल्कुल एक्नी और पिंपल्स और ब्लैक हेड्स के निशान बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आपकी स्किन टोन बहुत ज़्यादा लाइट हो जाए तो आप इसको रेगुलर 1 मंथ तक करो, आपको इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।